मैं इस फिल्म में नहीं हूँ, मैं तो मुझे तो एज ए गेस्ट बुलाया गया है। मैंने वैसे पंजाबी फिल्में काफ़ी की हैं, तो मेरी पहली ही फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था, दीप्ति नवल मेरी हीरोइन थी, राज बब्बर थे उसमें, पंकज कपूर थे, ये सब है। बाकी कैमरा मैन मनमोहन सिंह जी हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है। और पंजाबी फिल्में मैंने 16-17 पंजाबी फिल्में की हैं मैंने। अभी लास्ट मैंने जैजी बी के साथ की थी, और एक हार्डी संधू के साथ की थी माही NRI। और अब है मेरा मन है मैं पंजाबी फिल्में करूं, लेकिन लोग पता नहीं, लोगों को शायद ये है अभी मैं बिज़ी हूं इसमें, सीरियल में बिज़ी हूं, क्योंकि मेरा सीरियल जो FIR था वो 10 साल तक चला था, तो लोगों को भी है 10 साल तक मैं मतलब ऐसा उधर बिज़ी हूं, लेकिन अब मैं उधर से फ्री हो गया हूं भाई, हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, और एक नया शो आ रहा है मेरा, वो कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है ऐसा करके। बाकी इस फिल्म के बारे में जितनी मैंने सुनी है तरफ भी, मैं फिल्म देखूँगा तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी है कैसी नहीं। उसका चलने का सबसे बड़ा रीज़न ये था, उसमें साफ़ सुथरी कॉमेडी थी, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, कोई डबल मीनिंग नहीं था, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं उस मतलब शो को। और मेरे को भी एक दो बार ऑफर हुए थे, मतलब ये किसी सील का अपना क्या नाम है आपका, प्रभात जी, किसी भी सील का चलना ना बहुत, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। फिल्म में अभी एक टोटल धमाल है इंद्र जी की, उधर बात हुई है मेरी, बाकी देखो शूटिंग कब करते हैं। एक सीन है उसमें अपना माधुरी जी और अनिल कपूर के साथ, तो शूट देखो फिल्म सिटी में कब करेंगे, बोला था उन्होंने फिल्म सिटी में ही होगी शूटिंग, अब देखते हैं लेट्स सी क्या है। बाकी आपका चैनल है जो क्या नाम है चैनल का, है बॉलीवुड अड्डा। वेल बॉलीवुड अड्डा से बात करके लगा मुझे बड़ा अच्छा, इज्दा हसीना है अगर मिसी रोटी है, मैं हूँ पराठा लच्छा, इज्दा कैरी ऑन।